welcome once again to Super Stylish Namrata. आज का वीडियो है मिनिसो का शॉपिंग हॉल. रिसेंटली मैं मिनिसो गई थी जो कि है नेक्स्ट गैलेरिया मॉल में. अभी जो मैंने वीडियो डाला था मिनिसो का टूर डाला था, आपने देखी होगी वो वीडियो, और जिनने नहीं देखी जाके देखिए. सो आप सब पूछ रहे थे वो कहाँ पे है मिनिसो, वो है नेक्स्ट गैलेरिया मॉल में. सो आप तो गूगल कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा नेक्स्ट गैलेरिया मॉल में मिनिसो कहाँ पे है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो. और वहाँ पे मैंने आपको जैसे कि बताया मेरी सब्सक्राइबर मिली थी जो कि है पिंकी, बहुत क्यूट थी पिंकी. अगर आप देख रहे हैं इट वॉज नाइस मीटिंग यू. आजकल मेरे को हर जगह सब्सक्राइबर मिलते रहते हैं. अभी रिसेंटली एक डी मार्ट में भी मिले थे, स्वाति नाम था आई थिंक उनका, और आइकिया में भी मिले हैं. हर जगह मिलते रहते हैं. सो हाई टू ऑल. और जो जो मिलते हैं प्लीज, कोई देखता है मेरे को तो प्लीज मिलने आइए, बहुत अच्छा लगता है मिलके. अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, बक बक कम करती हूँ. मेरा जो रिव्यू रहा कि कैसे प्रोडक्ट है और कैसा लगा मेरे को मिनिसो का टूर और आफ्टर शॉपिंग मेरा एक्सपीरियंस है, मतलब अफोर्डेबल ही है. बीच बीच में आपको कोई चीज लग भी सकती है कि कोई चीज का प्राइस ज्यादा है, बट ज्यादातर चीजें डेली यूज की हैं और अफोर्डेबल है. सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी इससे जो कि है एक डबल लेयर ड्रेनिंग बास्केट. मतलब आप सब्जियां बॉईल कर रहे हैं, जैसे बना रहे हैं पास्ता या पाव भाजी की खूब सारी सब्जियां आपने बॉईल की हैं, सीधे इसमें डालेंगे, ड्रेन हो जाएगा, गिरेगा नहीं इधर उधर. स्पेशियस भी है काफी, सीधे पानी निकल जाएगा क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं ये जो एरिया है इधर पानी आ जाएगा और ऊपर आपका रह जाएगा पास्ता या कोई भी पाव भाजी वगैरह की कोई भी बॉइल्ड वेजिटेबल सब कुछ इसमें रह जाएगा. चने बॉईल करते हैं आप बनाने के लिए, वो भी आ जाएंगे इसमें, पानी नीचे रह जाएगा, आप फिर उसको तड़के के लिए यूज़ भी कर सकते हैं. आपको पता है मैं प्लास्टिक टाइप चीज़ें अपनी किचन में यूज़ नहीं करती, बट आई बॉट दिस पता नहीं क्यों. सो ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट था और ये मेरी टी शर्ट्स के साथ कुछ जा रहा है, नहीं टी शर्ट लाइट कलर में है. और इसका प्राइस है ₹230. मिनिसो जिनको नहीं पता एक जापानी स्टोर है, रिसेंटली इंडिया में ये काफी जगह ओपन हुआ है स्टोर, बॉम्बे में, दिल्ली में, आई थिंक बेंगलोर में, सभी जगह आई थिंक ओपन हो गया. तो हैदराबाद कैसे पीछे रहता, हैदराबाद में भी ओपन हो गया. और इस चीज़ की कैपेसिटी है 1.3 लीटर, मतलब 1.3 लीटर कैपेसिटी जितनी चीज़ इसमें आ जाएगी ड्रेन हो जाएगी आसानी से. नेक्स्ट चीज़ है ये बहुत क्यूट से मग. और आपने मेरा अगर टूर देखा होगा मिनिसो का, आप लोग बड़े पिक एंड चूज करते हो, जो वीडियो पसंद हो बस वही देखनी हो अपने, मतलब अपनी चॉइस की. जैसे कोई डी मार्ट का शॉपिंग हॉल डाल दो, मतलब ज़्यादातर आप शॉपिंग हॉल टाइप वीडियोस ही देखते हो, बोलते हो ब्लॉग्स डालो, कुछ गिने चुने 1 से 2-3 हज़ार लोग ही हैं वही देखेंगे, हर वीडियो देखेंगे. बहुत ही क्यूट सब्सक्राइबर हैं 2-3 हज़ार ऐसे हैं, वो मेहनत को सराहते हैं, हर टाइप की वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं. और कुछ होते हैं कि बस बिल्कुल स्पेसिफिक अगर शॉपिंग हॉल देखना है दैट्स इट, यही देखेंगे, दूसरा कुछ नहीं, मतलब कोई मतलब अपना टाइम वेस्ट नहीं बिल्कुल चाहिए उनको. प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब किया है किसी की वीडियो देखने के लिए तो प्लीज़ देखा कीजिए, अच्छा लगेगा मेरे को मेहनत करने का, नहीं तो क्या फ़ायदा होगा मेरे को, कोई फ़ायदा नहीं होगा मेहनत करने का इतना. वैसे भी अभी मैंने काम कम कर दिया जब से बीबी हुआ है, बिल्कुल कम, क्योंकि अगर कोई आपकी मेहनत को देखता ही नहीं है तो अच्छा भी नहीं लगता. टू बी वेरी फ्रैंक, मैं फ्रेंकली आपके साथ बोल रही हूँ. वीडियो कहाँ से कहाँ चली गई, आई एम सॉरी. मैं क्या शॉपिंग हॉल दिखाते हुए अपनी पर्सनल बातें शेयर करने लग पड़ी लाइक अ व्लॉग, उसके लिए सॉरी, बट ये बोलना बनता था. अगर आपने सब्सक्राइब किया है और इन सारी बातों के साथ में हम पियेंगे गर्मा गर्म चाय, इन कपों में नहीं दूसरे कपों में पियेंगे, ठीक है. मेरा न्यू लुक भी देख लेंगे लोग, ये कौन है आदमी, इनकी मिनते कर करके मैंने बोला है प्लीज हुन्नू को संभालिए, मुझे वीडियो निकालनी है कितने दिन के कितने हॉल स्पेंडिंग है जो आपके फेवरेट हैं. बट चलिए जाइए आप, चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो. और ये है वो क्यूट सा मग, ये मैंने आपको टूर में भी दिखाया था, कितना प्यारा है ना, ये पास से दिखाती हूँ, कितना प्यारा है देख सकते हैं आप, ऐसा दिख रहा है, ये थोड़ा रेक्टेंगुलर सा शेप है इसका, ऊपर से ये इसका हैंडल,
नीचे से ऐसा है, मिनीसो लिखा हुआ है और सारे प्रोडक्ट में इनका मेड इन चाइना तो रहेगा ही। और ऐसा इसका लिड है और ये बोन चाइना या सिरेमिक जो भी मटेरियल होता है उसका है, सिरेमिक का। और यहाँ पे ये स्पेस सा इसलिए क्योंकि साथ में है इस मग के ऐसा एक स्पून। If you want to have your coffee and you want to mix sugar, तो आप mix कर सकते हैं, complex खा सकते हैं, muesli वगैरह जो भी आप नाश्ते में लेते हैं वो ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगा। तो ये है 230 रुपीज़ का पर पीस। देन मैंने ऐसा ही और भी लिया है, दो पीसेज ही लिए मैंने। लाइफ लिखा है इस पर इस टाइप में जो है। सॉरी मेरे को उठ उठ के दिखाना पड़ रहा है क्योंकि मेरा स्टैंड हो चुका है खराब, जो कि आपको पता ही है। कितना प्यारा है ना ये, ऐसे है अंदर से, वो रेक्टेंगुलर टाइप में था, ये सर्कुलर या ओवल टाइप में है। और ये ब्लू में एक लाइनिंग बनी है क्योंकि इसकी लिड है ब्लू। एंड स्पून में एंड में वुड सा नहीं लगा इसमें, उसमें वुड लगा था। आप देख सकते हैं साइज में फर्क है दोनों के, ये बड़ा है लाइफ वाला। तो ये लाइफ वाला भी है 230 रुपीस में। ज्यादातर प्रोडक्ट्स इनके 230-150 इसी रेंज में है। सो नेक्स्ट इज अ कॉम्बो सेट फॉर अ कंफर्टेबल बाथ, दे हैव मेंशनड इट। और ये है एक शार्क कैप एंड लूफा और इसका प्राइस है ₹150। ये लूफा है एंड ये शार कैप है। सो नेक्स्ट जो मैं प्रोडक्ट आपको दिखाने वाली हूँ उनपे है 40% ऑफ। दिस इज द प्रोडक्ट जिसपे है 40% ऑफ। ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये छोटू सा बैग मेरे को इसलिए चाहिए था, ये क्रॉस बॉडी टाइप का, क्योंकि नीचे अगर मैं जाती हूँ हुनर को कैरी करके, क्योंकि हुनर का प्रैम बहुत हैवी है, तो अगर अकेले जाऊँ एक दो ही राउंड मारने होते हैं अगर मैंने नीचे बिल्डिंग में, तो मेरे को फिर की भी उठानी होती है, सेलफोन भी उठाना होता है, तो मुश्किल हो जाता है। और साथ में हुनर को उठाना इजी रहेगा अगर कभी कहीं जाना हो तो। वैसे तो मार्केट में कारोबार में अगर जाना हो तो मैं तो कैरी नहीं करती, हैंड बैग्स बस कलेक्शन में ही जाते हैं। अच्छा लगा मेरे को, बहुत ही अच्छा लगा। इसमें ब्लू शेड भी था, यहाँ पे टेसल टाइप लुक दी हुई है, इफ यू कैन सी। सो ये मेरे को 40% ऑफ मिला है। इसका प्रिंट प्राइस है ₹450। सो गाइस इसका प्राइस मुझे 250 समथिंग या 280 समथिंग में मिला था और अभी मैंने बिल निकाल के रखा ही था साथ में, और कहीं तो मिसप्लेस हो गया मेरे से क्योंकि बैक टू बैक शूटिंग कर रही हूँ, कपड़े चेंज करी जा रही हूँ और बैक टू बैक शूट कर रही हूँ। तो आज मैंने स्पेशली टाइम निकाला है, ये बोल रहे थे आज कहीं चले, मैंने बोला नहीं मेरे को कहीं जाना, मेरे बहुत टाइम से शॉपिंग हॉल्स पेंडिंग है, मुझे निकालने आज। तो इसका जो प्राइस मैं बता रही हूँ आफ्टर 40% ऑफ स्क्रीन पे डाल दूंगी। तो नेक्स्ट भी जो मैंने प्रोडक्ट लिया है वो भी एक बैग ही है, इस पे जब मैंने सुना 40% ऑफ तो मैंने ग्रैब ही कर लिया। और इसका प्रिंट प्राइस था ₹790। सो आफ्टर 40% ऑफ ये मेरे को मिल गया है कितने में, आई थिंक 457 या 80 समथिंग, 480 समथिंग। लेट मी शो यू दिस ब्यूटीफुल बेबी, तो प्यारा है ये। पास आके ज़्यादा अजीब सा कलर आ रहा है, प्रॉपर ग्रीन शेड में है ये, डिफरेंट। ये देखिए इसका ऐसा स्ट्रैप है, निकाल भी सकते हो आप। और यहाँ पे बनी है ऐसी बेल्ट, अंदर इसके है एकदम खाली जैसे टोट बैग होता है उसकी तरह। और एक इसके हेल्प से, बटन की हेल्प से आप इसको सील पैक कर सकते हैं, और टोट बैग टाइप ही है स्टिल। इसका नेम है सिंपल शोल्डर बैग। और ये है इसके अंदर एक छोटा सा पाउच फॉर योर कीज एंड नोट्स और कार्ड्स। इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, खाली है। और मैंने रीज़न बता दिया मैंने क्यों खरीदा है। सो नेक्स्ट जो हमने लिया है वो है एक ये वाला सेट। सो यहाँ पे है नीडल्स, बहुत सारी नीडल्स है, बड़ी छोटी, यहाँ देख सकते हैं आप कितने सारे थ्रेड्स हैं, बहुत सारे कलर्स में, एक में ही आ जाएगा, समा जाएगा, ऐसे जगह जगह रखने की ज़रूरत नहीं। ऊपर सेफ्टी पिन्स भी हैं
यहाँ देखिए ये जो मेजर करने के लिए होती है मेजरमेंट टेप, इंची टेप क्या बोलते हैं इसको, वो है पूरा यूज़ होता है जो आपकी टेलरिंग में वो सब। मैंने कुशन कवर बनाती थी पहले, मेरे को अच्छा लगता था अपने, जैसे मेरे पापा की शॉप है आपको पता है कपड़ों की, जो जो मेरे को फॉलो करते हैं उनको पता है, तो मैं पापा से कपड़ा ले आती थी और कुशन कवर बनाती थी हॉलीडेज में। मेरे को घर के लिए ही, कोई मेरा बिजनेस नहीं था तो घर के लिए स्टिच करती थी, क्योंकि बड़ा ईजी होता था उसको बनाना। एक को कॉपी मारा था मैंने, एक कुशन कवर अपने घर पर जो ख़रीदा हुआ था उसको कॉपी मार के मैंने बहुत बार बनाए हैं, बेसिक सा कपड़ा लेके प्रिंटेड सा। ये हेयर सीजर और एक ये भी टेलरिंग में यूज़ होता है वैसे ही है, कुछ काफ़ी कुछ है यार इसमें, वो भी अटैच बटन भी एक दो दिए हुए, सो बहुत अच्छी लगी है डील मेरे को। और ये जो इतने सारे थ्रेड्स दे रखे हैं वो इतने भी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा दे रखा है हर एक कलर का, थोड़ा थोड़ा ऐड किया हुआ है, मतलब अच्छे से एक कपड़ा अगर किसी के लिए चाहिए होगा तो उतने में तो यूज़ हो ही जाएगा। अब बिल्कुल मोटे मोटे वाले जो आप मार्केट से खरीदते हैं उतना पैक नहीं होएगा, बट स्टिल बहुत अफोर्डेबल है क्योंकि इसका प्राइस है सिर्फ 150 रुपीज़। नेक्स्ट है एक परफ्यूम, मेंस परफ्यूम है ये, और 1.4 लीटर की बॉटल है ये, 40 ml है, स्पोर्ट नाम है इसका। बॉटल भी सुंदर है, लेट मी शो यू, काफ़ी अच्छी सी फ्रेग्रेंस लगी मेरे हस्बैंड को तो उन्होंने लिया है ये। इसका प्राइस है 485। सो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है फ्लिप फ्लॉप, पिंक शेड में लिए मैंने, बहुत ही लाइट वेट है, बहुत पसंद आया मेरे को और मेरे को ज़रूरत भी थी, तभी मैं स्पेशल गई थी कि वहाँ पे फ्लिप फ्लॉप्स भी हैं तो मुझे लेने हैं, और बहुत लाइट वेट है और प्राइस है बहुत ही अफोर्डेबल जो कि है 230। 35 किड से भी हैं अभी तक तो ऐसे ही हैं कि मतलब स्लिप नहीं कर रहे, और कहीं से भी आजकल आप स्लिपर लो एक दो महीने से ज़्यादा नहीं चलते, तो अभी ये तो अच्छे ही चल रहे हैं मैं तो यही बताऊँगी। तो अभी मेरे को 15-20 दिन इनको यूज़ करते हुए हो गए और मैं लेट शूट कर रही हूँ ये वीडियो। सो उससे नेक्स्ट जो लिया है मैंने ये ब्लैक शेड में लिए हैं, इनके लिए फ्लिप फ्लॉप, जेंट्स के फ्लिप फ्लॉप हैं ये, और इसका भी प्राइस है 230। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ट्विन ब्लेड डिस्पोजेबल रेजर, और 3 का पैक कॉम्बो पैक है ये, और इसका प्राइस है 150। क्लोजर लुक के लिए आपको बता देती हूँ, नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है हेडफोन, ये हेडफोन्स लिए हैं मैंने क्योंकि हमने निकाल लिए हुए हैं और वो यूज़ कर लिए, और ये है iOS के लिए भी और Android के लिए भी, जो दोनों के लिए थे, और ये वाले हैं 290 के, लेट मी शो यू कैसे हैं। मैंने थोड़े अफोर्डेबल वाले लिए क्योंकि मेरे को इतना भी इनका यूज़ नहीं होता, जब वीडियोस बनानी होती है और हनु साथ में सोई होती है तब यूज़ करती हूँ, और आजकल कभी कभार कोई वीडियो देखनी होती है तब भी यूज़ करती हूँ अगर वो सोई हो। सो मेरे वाले जो हैं कुछ इस टाइप के हैं, दोनों के ब्लैक शेड लिए, वहाँ बहुत सारे कलर्स हैं, आप मेरे मिनीसो का टूर देख सकते हैं, उसमें मैंने सारे कलर्स वगैरह कवर किए हैं किस किस टाइप के हैं, और इसमें आप बोल भी सकते हैं सुन भी सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वहाँ पे एक पर्टिकुलर है आई थिंक 250 रुपीज़, उसमें सिर्फ आप सुन सकते हैं, मतलब स्पीकर नहीं है उसमें। सो जो मेरे हस्बैंड के हैं वो है ये वाले, और उसमें ऐसा करके ये भी मिला है कंटेनर सा, क्या बोलते हैं उसको, मेरे को तो आजकल वर्ड्स भी भूलते हैं, एक कंटेनर सा मिला है A4 डालने का प्रॉपर, ये भी मिला हुआ है आगे से, थोड़ी सी डिफरेंट लुक है इसकी, आगे से इसकी ऐसी लुक है, मेरे दूसरे थे, मुझे ऐसे वाले आगे से पसंद भी नहीं आते, पता नहीं मेरे कान में फिट आए प्रॉपरली कि नहीं, छोटू है क्योंकि होल्स कान के बहुत। और ये वाले हैं 490 के, सो आई थिंक मैं कुछ भूली नहीं और मैंने सारा कवर कर लिया अपने मिनीसो के शॉपिंग हॉल में, अफोर्डेबल सी शॉपिंग थी बट स्टिल शॉप करते करते आपके 3-4 हज़ार कहाँ जाते कुछ पता नहीं चलता आजकल, क्योंकि काफ़ी प्रोडक्ट हो गए थे। अगर आप मेरा रिव्यू पूछेंगे तो मुझे प्रोडक्ट पसंद आए हैं, अफोर्डेबल भी हैं, और यूजेज के बाद 10-15 दिन के यूजेज के बाद मैं बता रही हूँ कि मुझे स्लीपर्स भी अच्छे लगे, हेडफोन्स भी अभी तक अच्छे से जा रहे हैं, काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी है, और मग्स तो देखने में प्यारे हैं ही और क्वालिटी भी अच्छी है। सो यू कैन गो एंड एंजॉय, और कुछ भी अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स चाहिए तो आप जा सकते हैं और ले सकते हैं मिनीसो से, एंड दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। तो चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई अफोर्डेबल डील के साथ, तब तक के लिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए ना, तभी तो आपको पता चलेगा नेक्स्ट टाइम कहाँ पे लगी है कौन सी अफोर्डेबल डील। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए। बाय बाय एंड टेक केयर।